तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैं, जहां सोमवार यानी कि 2 अक्टूबर को देर रात छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी के नॉर्थ हॉल हॉस्टल में ये गोलियां चली है। इस झगड़े में एक होम्योपैथिक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गोली लगी है। मेडिकल कॉलेज में सभी का इलाज चल रहा है। गोली चलने की सूचना मिलते ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अहमद, प्रॉक्टोरियल टीम और सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक देर रात 11 बजे के आसपास कुछ स्टूडेंट्स एएमयू के वीएम हॉल के पास बैठे थे, तभी वहां एक गुट के कुछ लोग आए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करने वाले सभी लोगों ने अपना मुंह ढका हुआ था। इसके बाद कैंपस में भगदड़ मच गई, जिसके बाद दूसरे गुट के लोग भी वहां पहुंच गए और देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस झगड़े में कई राउंड गोलियां चली हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में झगड़ा होने की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में छात्र वहां जमा हो गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अहमद ने हंगामा कर रहे छात्रों को शांत कराया और आरोपी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्रों ने हंगामा बंद किया। घटना के बाद मौके पर पहुंची सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के लिए कैंपस में और इसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने छात्रों को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दिनांक 3/10/23 की रात्रि में वीएम हॉल के छात्र सादिक हसन और उसके दो साथी फिरोज और अब्दुल्ला एसएस नॉर्थ हॉल पर गए थे, जहां पर एसएस नॉर्थ हॉल के लड़कों से इनका विवाद हो गया, जिस पर एसएस नॉर्थ हॉल के लड़कों ने फायरिंग कर दी, जिससे सादिक हसन, फिरोज और अब्दुल्ला के छर्रे लगे हैं, जिनका इलाज इमरजेंसी एएमयू में चल रहा है, जो खतरे से बाहर हैं। इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।